पैटिस हो गया। ठीक है, हम लोगों ने मैक्सिमम जो है क्वेश्चन कर मैक्सिमम टॉपिक जो है रोटेशन मोशन का वो कंप्लीट हो चुका है। रोटेशन मोशन मतलब कंप्लीट ही हो गया है। अब वो कंप्लीट हो गया बाय द थ्योरी, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग मैटर होता है। ओके, तो इसके लिए जो होता है हम कुछ क्वेश्चन सेक्शन क्वेश्चन के डेट रखेंगे, जैसे कि आज 2-3 दिन तक हम क्वेश्चन करेंगे रोटेशन मोशन का, उससे हमारा वो मजबूत हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो टॉर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है टॉर्क है। टॉर्क हम लोगों ने पढ़ चुका है कि टॉर्क कितना होता है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और एक टॉर्क का मान कितना होता है आपका dN by dt। ओके, और तीसरा क्या होता है आपका आई अल्फा। तो यही तीन फॉर्मूला है जिसका हमारा यूज होगा टॉर्क का क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो यही हमारा सारांश हुआ कि यही तीन फॉर्मूला यूज होना है इसमें। आगे बढ़ा था क्वेश्चन 36 पे आते हैं। तो देखिए 36 पे क्या हमारा, ए रिंग एंड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस। देन ओके, देखो यहाँ पे क्या आपके पास है, एक रिंग है और एक आपके पास क्या है सॉलिड स्फीयर है जिसके पास सेम मास है और इसके पास सेम रेडियस है। रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी भी हमारा सेम है। ओके, अबाउट द डायमीटर एक्सिस। देन किसको रोकना आसान है, तो इसमें से किसको रोकना आसान है, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसको रोकना आसान होगा कि जिसका स्पीड कम होगा उसको रोकना आसान होगा। जो ज्यादा स्पीड से आ रहा है उसको रोकना आसान होगा कि जो कम स्पीड से आ रहा है उसको रोकना आसान होगा। एनीवन, कोई बता सकता है हमको, जिसका स्पीड कम होगा उसको रोकना आसान होगा। तो कल हमने आपको वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला सिखाया था, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, रूट 2 dx डिवाइडेड बाय ओके, तो देखो जो के का मान कितना होगा, तो देखो सब तो नीचे में अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, देखो अगर अगर आपका जो है डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फ्रैक्शन ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फ्रैक्शन ज्यादा होगा। ओके, और अगर डिनोमिनेटर जो है बहुत अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा। ओके, तो देखो यहाँ पे के का मान किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 और आपका ओके और रिंग का कितना होता है 1। तो रिंग का जब रिंग की बात करेंगे तो रिंग का क्या होगा, रिंग का के ज्यादा होगा तो इसका मान डिनोमिनेटर ज्यादा तो फ्रैक्शन कम। ओके, तो वेलोसिटी तो होगा किसका कम होगा, रिंग का कम वेलोसिटी होगा। और जब रिंग का वेलोसिटी कम होगा तब उसको रोकना आसान होगा। सब कुछ सही है, हाँ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट इज इजियर टू स्टॉप द सॉलिड स्फीयर, इट इज इक्वली डिफिकल्ट टू स्टॉप बोथ ऑफ देम।
36 का कौन सा अगर आपको कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? हमको तो लग रहा है इसका के ज्यादा, मतलब इसका वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो उसको स्टॉप करना इजी होगा, तो हमको वन लग रहा है, आपको कौन लग रहा है? दोनों का वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों का सेम है। थर्टी सेवन में क्या हमारा फोर रोटेशनल मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ और पोषण इंडिकेटेड बाय, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो देखो यहाँ पे हम रोटेशन मोशन की बात करते हैं, तो अगर सिर्फ रोटेशन मोशन नहीं होता तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? डीपी बाय डीटी, और डीपी बाय डीटी किस क्या होता है ट्रांजिशन मोशन में, यहाँ पे रोटेशन मोशन है ओके okay, तो रोटेशन मोशन में क्या होगा? टॉर्क होगा, और टॉर्क का मान कितना होगा? डीएल बाय डीटी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर थ्री, न्यूटन का दो सेकंड नियम है एफ इक्वल टू एम ए ओके। तो थर्टी एट में क्या हमारा हाफ ऑफ द मीटर स्केल इज मेड ऑफ वुड ओके। यहाँ पे क्या आपका ये वुड का बना हुआ है और ये आपका स्टीन का बना हुआ है, ये आपका पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है ठीक है। ये द वुडन पार्ट इज पाइवोटेड एट ओ, वुड दो है यहाँ पे है ठीक है, और स्टीन दो है यहाँ पे है, और दूसरा में क्या स्टीन पार्ट इज पाइवोटेड एट ओ, दूसरा में स्टीन पार्ट यहाँ पे पाइवोटेड है, इसमें वुड पार्ट यहाँ पे पाइवोटेड है, तब इसे पूछ क्या रहा है? और दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, दोनों का फोर्स सेम है ठीक है। तो सेम फोर्स, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मोर एंगुलर एक्सलेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन ए, मोर एंगुलर एक्सलेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन बी, सेम एंगुलर एक्सलेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ द ठीक है बोर्ड द कंडीशन एंड द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 38, तो देखो तो ये रोटेशन मोशन है, तो इसमें टॉर्क का कुछ कहानी, और देखो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका आर क्रॉस एफ, दोनों का एफ बराबर है, हमको क्या पूछ रहा है एंगुलर एक्सलेशन, एंगुलर मतलब आई ओमे आई अल्फा ओके, तो आर क्रॉस एफ आई अल्फा ठीक है, तो किसका एंगुलर ज्यादा होगा? तो देखो अब दोनों का मास की बात करते हैं, वुडन हाफ ऑफ द मीटर स्केल एंड द वुडन, देखो सिंपल सा बात है, देखो यहाँ पे वुड वुड में और स्टीन में भारी कौन होगा? वुड और स्टीन में भारी कौन होगा? वुड और स्टीन में दोटा स्टीन का वेट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों का दोनों सेम स्क्वायर का, स्टीन का वेट ज्यादा होगा कंपेयर टू वुड का ठीक है। तो देखो स्टीन यहाँ पे क्या है एक्सिस रोटेशन से नजदीक में है, तो स्टीन जब एक्सिस रोटेशन से नजदीक में है तो इसका जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, अगर भारी मास या अगर हेवी मास नजदीक में होता है एक्सिस रोटेशन का तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? वो कम होता, और बी केसेस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो आपका अल्फा का मान क्या होगा? वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टॉर्क जो है कॉन्स्टेंट है, सेम सेम फोर्स है, और दूरी भी सेम है, दोनों के बीच की दूरी भी सेम है और दोनों में फोर्स भी सेम लग रहा है, टॉर्क हमारा सेम है, तो अब बस हमको मास देखना है ओके okay, तो यहाँ पर स्टीन का मास ज्यादा होगा, स्टीन के मास नजदीक है एक्सिस और रोटेशन का जहां से पाइवोटेड है, तो मास यहाँ पर नजदीक में है तो आई का मान कम होगा, तो आई का मान कम होगा तो अल्फा का मान ज्यादा होगा, तो बी केस का जो अल्फा होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए केस का ओके okay, कोई दिक्कत? 39 पैटर्न, 39 में क्या है हमारा
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, तो हमारा क्या दिया हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ठीक है, इसको मार्कआउट करने दिया, हमारा रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है। इफ अ स्ट्रिंग इज टाइट टू सर्कमफ्रेंस, अब स्ट्रिंग को क्या कर दिया, हम टाई कर दिए सर्कमफ्रेंस से, अंडर फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, और हमने क्या किया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वैल्यू ऑफ टॉर्क का मान कितना होगा, तो देखो टॉर्क का मान कितना होता है, आर क्रॉस एफ, ओके, आर क्रॉस एफ होता है, तो हमारा आर का मान कितना है 0.5, और एफ का मान कितना है हमारा 10, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर, टू कम्प्लीटेड। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, 40 में क्या पूछ रहा है, इन द अबव क्वेश्चन इफ द डिस्क इज इक्यूट प्रोटेटरी मोशन, डिस्क टोटल रोटेशन मोशन कर रहा है, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ओके, टॉर्क इज इक्वल टू क्या पर है अभी, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ से हमारा मान कितना आया था 5, इज इक्वल टू आई अल्फा, और हमारा आई का मान कितना दिया हुआ है इसमें, आई का मान दिया हुआ 2, आई का मान 2 है, तो अल्फा का मान कितना होगा हमारा 2.5, बिल्कुल सही है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे, इन द अबव क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, ओके, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड का कितना होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो शुरू का मतलब 0 मानना है, अल्फा का मान कितना है 2.5, का मान कितना है 2, ओमेगा नॉट का मान को दिया है क्या, कितना होगा जी 2 इंटू 2.5, 5 ना होगा, 20 कैसे हो गया, हाँ मैं आपसे पूछू, मानसी कुछ पूछना है क्या, सही है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, इन द अबव क्वेश्चन द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, ओके, इन द 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना होगा, 2 सेकंड में हमारा एंगुलर मोमेंटम का चेंज कितना होगा, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का चेंज पूछ रहा है, तो टॉर्क हमारा कितना आया था पिछले क्वेश्चन में, टॉर्क कितना आया था 5, अच्छा टॉर्क आया था हमारा 5, टॉर्क इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू dN / dt, dN और dt का मान हमारा कितना है 2 सेकंड है, तो हमारा जो dN का मान होगा वो कितना होगा 5 इंटू 2, तो कितना हो गया हमारा 5 इंटू 2 कितना होगा 10, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन करना आ गया, 42 हो गया हमारा, 43 पे आते हैं, 43 में क्या पूछ रहा है, इन द अबव क्वेश्चन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क इन द फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड में होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओके, मतलब पहले 2 सेकंड में पूछ रहा है, पहला 2 सेकंड में, तो कितना होगा हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना होता है ओ, मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 20 होगा, ओमेगा नॉट टी, अल्फा का मान कितना आया था 2.5, और टी का मान कितना दिया हुआ हमारा 2 सेकंड ना, वो डाटा भूल जाता बार-बार, 2 सेकंड, ओके, तो कितना हो जाएगा 1 2 से 8 टू कटेगा तो कितना होगा 2.5 * 2 5, हमारा तो 5 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है 20 कैसे आया, सही है, मेरा तो 5 आ रहा है 2 सेकंड में, ओके, ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं एनएन का मॉड्यूल का है, ओके, तो सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है, आपको एग्जाम में जो आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आना है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन देगा, हाँ,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है 44 पे। 44 पे क्या ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड रेडियस ऑफ गायसन के, मास एम है और रेडियस ऑफ गायसन के है हमारा, रोटेटिंग बीटा एंगुलर क्या कहते हैं एक्सेलरेशन अल्फा, यहां पे हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कितना अल्फा, टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो टॉर्क का मान कितना होता है हमारा आई अल्फा अभी सिखाए थे, और आई का मान कितना होता है एम के स्क्वायर अल्फा। तो सोचिएगा सर आप इतना जल्दी सोच के नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रैक्टिस कौन सा ऑप्शन सही है हमारा टू। देखिए बनाने में कितना टाइम लगा, बस फॉर्मूला को कंठस्थ याद रखिए, अब विश्वास रखिए कि आपसे बनेगा। जैसे रुद्रा सबको देखता है कोई, क्या होता है इसको टीवी पे एक रुद्रा आता है उस उसमें कहता है कि विश्वास रखो, विश्वास रखोगे तो सारा काम होगा, उसी प्रकार से विश्वास रखिए हमको फॉर्मूला याद है और हर हमसे बनेगा। हम भी वही देखते हैं घर, जब भी पटना जाते तो जरूर देखते हैं घर बैठ के रुद्रा और एक मोटू पतलू। द ग्राइंडिंग स्टोन ऑफ फ्लोर मिल रोटेटिंग एट 600 रेडियन पर सेकेंड। ओके तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, ओमेगा का मान दिया हुआ है। फोर इज पावर इज 1.2 किलोवाट, पावर हमारे कितना दिया हुआ 1.2 किलोवाट, तो इफेक्टिव टॉर्क कितना होगा। ओके तब देखो यह तो ऐसे बन जाएगा, देखो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है ए माइनस स्क्वायर टी माइनस टू, और पावर इज इक्वल टू कितना होता है ए माइनस स्क्वायर टी माइनस थ्री। ओके तो पावर का मान कितना होगा टॉर्क बाय टाइम, कर सकते हैं पावर इक्वल टू टॉर्क बाय टाइम। देखो डायमेंशन देखो ना, नीचे में एक और आठ टाइम से भागा दे देंगे टॉर्क में तो हमारा नहीं हो जाएगा पावर, कैसे निकला डायमेंशन। तो बहुत सारे तीर हम नहीं पढ़े होते लेकिन अच्छा ऐसे ही होगा। तो देखो अब क्या कर दिए, पावर का मान कितना दिया 1.2 किलोवाट, 1.2 इंटू 10 पे पावर 3, और हमें टॉर्क पूछ रहा। ओके तो यहाँ पे टाइम नहीं देके क्या दिया है, यहाँ पे ओमेगा दिया है। ओके ओके तो टाइम है तो ओमेगा का मान कितना होता है हमारा 2 पाई बाय टी। ओके दो भी है 2 पाई बाय टी, तो हमारा टी का मान कितना होगा 2 पाई बाय ओमेगा। ओके 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पे टी नीचे हुआ तो मतलब क्या करना पड़ेगा, टॉर्क इनटू ओमेगा करना पड़ेगा हमको, टॉर्क इनटू ओमेगा इज इक्वल टू पावर, मतलब डायमेंशन से निकालें। और यहाँ पे हमें ओमेगा का मान कितना दिया हुआ है रोटेशन ना 600 रेडियन पर सेकेंड है, तो यहाँ पे पुट करो 600, तो इससे क्या 2 जीरो से गया तो यहाँ क्या बचा 1 10 तो 12, तो टॉर्क का मान कितना हो गया 12/6 2। देखिए निकालिए 45 को, देखिए हम सबसे पहले निकाले, देखिए क्वेश्चन जो हमारे साथ बना रहा है, आप सब बना रहे कि नहीं बना रहे हैं। 46 पे आइए, हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पे, ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस टू स्टॉप द रोटेशन वी हैव टू अप्लाई टॉर्क। हाँ रोटेशन मोशन पर है टॉर्क लगेगा, कितना ही दिए। अब 47 पे आते हैं, 47 पे क्या दिया हुआ हमारा, व्हील हैज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 5 × 10⁻³ केजी मीटर पर, ये हुआ हमारा कितना आई का मान, ठीक है। और मूविंग एट एस कितना से कर रहा है 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, ठीक है ये आपका मतलब ओमेगा का मान है। टॉर्क नीडेड टू स्टॉप इन 10 सेकेंड। ओके तो रिवॉल्यूशन को कर दो रोटेशन करना पड़ रिवॉल्यूशन है मतलब रोटेशन में 2 पाई से गुना करना पड़ेगा, तो 20 × 2π रोटेशन पर सेकेंड, अच्छा 40π मतलब इसका आंसर कितना हो गया 40π हो गया, ठीक है। और यहाँ पे टाइम का मान दिया टॉर्क पूछ रहा है। ओके तो यहाँ पे टॉर्क का मान कितना होता है, टॉर्क का मान कितना होता है आई अल्फा,
और अल्फा का मान कितना होगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ओके अब कर दो, तो इसको कर दो गुना 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 को, इसको करो इधर, हमने क्या किया 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 को गुना कर दिया किससे, 45 से, और भागा कर दिया 10 से। ओके तो हमारा कितना हो गया 5 × 20, तो 20 पैट तो 20 पाई इंटू 10 पे पावर माइनस 3 मतलब कि 2 पाई इंटू 10 पे पावर माइनस 2। देखियो यहां पे 10 पे पावर माइनस 2 है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया ना। हाँ बहुत अच्छा, 47 हो गया, 48 पैटर्न है। तुम क्यों बड़ा हो रहे हो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 kg पर, हमारा आई का मान है 2 kg पर, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट्स एट द रेट ऑफ द 60 रिवोल्यूशन पर मिनट। हमारा यहाँ पे ओमेगा का मान कितना है, 60 रिवोल्यूशन पर मिनट का, ठीक है, अबाउट द एक्सिस। The torque which can stop the wheel rotation in 1 minute. एक मिनट में होता है टॉर्क कितना रहेगा कि एक मिनट में ये रुकता है। ओके 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 तो देखो देखो तो पहले रिवोल्यूशन पर मिनट को कर दो रोटेशन पर मिनट में, रोटेशन पर मिनट है ना, आरपीएम ना है, तो 60 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, ओके ये हो जाएगा आपका ओमेगा का मान। पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पर एक मिनट में, तो एक मिनट में होता है 60 सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे आप टॉर्क का मान कितना होगा आई अल्फा, ठीक है, फटाफट दिमाग काम किया ना, आई अल्फा हमको किस तरह से अल्फा चाहिए, हाँ आरपीएम का मान रोटेशन पर मिनट, रोटेशन रिवोल्यूशन पर मिनट होता है ना आरपीएम। अरे हमको अपने नहीं पता कि रोटेशन है कि रिवोल्यूशन है, दोनों हो सकता है, हम कैसे पकड़े ना, यहाँ पे देखें पाई देखें, तो पाई कहाँ से आएगा, आदमी कुछ बोल सकता है, हमने देखा यहाँ पे पाई में ऑप्शन दिया हुआ है, समझे, रोटेशन रिवोल्यूशन होना चाहिए, और रिवोल्यूशन को कन्वर्ट कर दो रोटेशन में, समझा, तो हम ऑप्शन देख के पकड़े हैं, है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो गए ना, तो हम ये देखना कि ऐसे पाई कैसे आ गया। ओके तो इससे पकड़ लिया हमने, तो हमारा क्या हो गया, इसे 60 से 60 कट गया, हमारा ओमेगा का मान कितना हो गया 2 पाई रोटेशन पर सेकंड। ओके तो यहाँ पे आई का मान कितना है हमारा 2 इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 60, तो कितना होगा हमारा 4 से कटेगा, कितना होगा नीचे 15, ऑप्शन नंबर 2 देखिए आ गया, देखिए अब 49 पैटर्न है हमारा, 49 में क्या है, एक कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए यूनिफॉर्म स्टेपनर व्हील चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम ए नॉट टू 4 ए नॉट। ओके हमारा एंगुलर मोमेंटम तो चेंज किया, और यहां कितना 4 सेकंड में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, टॉर्क इज इक्वल टू dN / dt, देखिए फॉर्मूला याद रहेगा, तो रुजुरा की तरह वहां पे रुजरा बना दो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो सीरियन है उसमें सिर्फ रुजरा ही दादू अच्छा करता है, बाकी सब क्यों नहीं करता, क्योंकि फोकस करता है। आपका मान कितना हो गया 4 a नॉट माइनस a नॉट 3 a नॉट बाय 4। ओके तो फोकस करना है रुजरा की तरह, फोकस एंड बिलीव। 50 पे आते हैं, आपके पास टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क नहीं टॉर्क पूछ रहा है, मतलब टॉर्क पूछ रहा है, फोर दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, तो
कुक भी अच्छा जादू करता है। नहीं हाँ कुक खाना अच्छा बनाता है, वो सबसे अच्छा खाना बनाता है। हाँ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर क्रॉस एफ कैसे क्या करिएगा इसमें, तो देखिए इसमें आर क्रॉस एफ करना है, तो पहले सबसे पहले आई लिखिए, ठीक है। और फिर जो आई का पोर्शन है मतलब 2y 3i को जो है वो कवर कर दीजिए, आप फिर गुणा कीजिए -3 × 3 -9 -3 × 3 कितना हो गया -9 और माइनस, ओके। फिर क्या, सॉरी सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। हाँ आर क्रॉस एफ होता है ना, रुको रुको सब सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थ्री, एक मिनट, हाँ थ्री 2 3, ये आर हो गया हमारा। एफ का मान कितना लिखेंगे हम लोग, 2 − 3 + 4। अब सही है, आई को कवर किए 2 × 8 − और 3 × 9 − 9 माइनस दे, दे को कवर कर दिया मैंने 20 बना आई दे, फिर मैंने क्या 4 × 12 माइनस और 3 × 2 = 6 और प्लस के, तो के को कवर कर दिया मैंने 3 × 9 − 9 माइनस, और फिर मैंने क्या किया 2 × 4, ओके। तो हमारा कितना हो गया 12, यहाँ पे 8 − 9 तो कितना हो गया 8 × 16 = 17, 79। तो 79 पॉजिटिव मानते हैं, मतलब ये थर्ड ऑप्शन सही है, ओके। फिर कितना होगा 12 में से 6 गया 3 है, तो -6 दे, और फिर कितना बचेगा -9 − 4, तो -9 − 4 कितना हो गया -13, ऑप्शन नंबर 3, ओके। इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, हमारा समझ गए ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में किया हूँ, सिर्फ समझाया कुछ नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो बताइए, वरना सिखाना पड़ेगा। ओके किसी को भी नहीं आता तो हमको बता सकते हैं व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में, किसी भी रास्ते से। अच्छा 51 पे आते हैं, तो 51 में हमारा क्या है, व्हेन कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन, अगर कांस्टेंट टॉर्क बॉडी पे एक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट टॉर्क एक्वायर्स एक्सेलरेशन। तो देखो टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जब लीनियर की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पे टॉर्क लगेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, टॉर्क एक्सेलरेशन। अच्छा 52 में आते हैं, अभी बहुत टाइम है। हाँ 52 में क्या हमारा, इफ टॉर्क ऑन ए बॉडी 0, अगर टॉर्क 0 होगा तो क्या कंजर्व होगा, तो फोर्स कंजर्व, फोर्स 0 होता है तो नियम मोमेंटम कंजर्व होता है, टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अच्छा 53 पे आते हैं, आपका क्या आई का मान दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ आ गया, आई का मान कितना दिया 50 kg/s, देन हाउ मच टॉर्क विल बी अप्लाइड टू स्टॉप इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसको स्टॉप करने के लिए जो है कितना टॉर्क चाहिए, ओके। आई का रहा 20 rads/s, तो rads/s है मतलब रोटेशन दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे ऐसे भी आंसर पाई में नहीं है, तो हमको 2π से गुणा नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे ना, ऐसे पकड़ते हैं, चोरी कर लेते हैं ऑप्शन से, 2π से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। 50 और यहाँ पे आई अल्फा, तो देखो हाँ रुक गया 20 − 0, तो 20 − 0 का आपका क्या हो गया डेल्टा ओमेगा, और यहाँ पे टाइम का मान कितना दिया 10 सेकेंड, ओके। तो आपका मान कितना हो गया 20, 25, 100, ऑप्शन नंबर 1, समझे कौन सा, यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिख देते हैं यहाँ पे,
54 में क्या दिया हुआ है, 54 में दिया हुआ है आपके पास दो चीज है, ये आई डी और के फॉर्म में है और इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। आपको करना क्या पता है, ये आर वन तो क्या डिस्टेंस ऑफ द आर टू रिस्पेक्ट टू आर वन, तो पहले आप इसके रिस्पेक्ट में आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में तो डिस्टेंस आर वन, तो इसको आर वन मानिए और इसको आर टू मानिए, ठीक है। तो आर वन रिस्पेक्ट टू आर टू निकालिए सबसे पहले, तो आर वन माइनस आर टू निकालिए, आप फिर जो आर वन माइनस आर टू निकला फिर उसमें कर क्या कर दीजिए, आर क्रॉस एफ कर दीजिए, ओके। क्योंकि आर क्रॉस एफ अभी भी पीछे सिखाया है, इतने हम इसको नहीं करेंगे, ये आपका रहा होमवर्क, ये आप कर लीजिएगा, आता कि नहीं आता। तो यहाँ से हमारा टॉर्क का जो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है वो बन जाएगा, अगर आप कहते हैं तो सही कहते होंगे, देखते हैं ऑप्शन है दिया कि नहीं दिया। 54 का 4, हाँ सही है, बनाया तो सही बनाया, ओके सही है आंसर, 4 ही ऑप्शन होगा। तो हमने टॉर्क का कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट देख करेंगे हम लोग क्या, एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन, ओके। तो टॉर्क का क्वेश्चन हम लोग प्रांगट हो चुके हैं, यहां तक में किसी को दिक्कत, एनीबॉडी, ओके, किसी को भी अंग्रेजी में दिक्कत हो, हिंदी में दिक्कत हो, नहीं सम, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेशन को बंद कर किया जाएगा और क्या। आज हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छा, बहुत क्वेश्चन हो गया।